निपा वायरस से देश भर में दहशत का माहौल। क्या है आखिर निपा वायरस? मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, सभी को सतर्कता बरतने के आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। केरल में निपाह वायरस से 11 मरीजों की मौत के बाद देश भर में दहशत का माहौल है। आखिर निपाह वायरस है क्या, कैसे लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस आया आखिर कहां से। इस वायरस की सबसे पहले पहचान 1998 में मलेशिया के निपाह इलाके में हुई थी, जहां निपाह ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया था। उस वक्त वहां दिमागी बुखार का संक्रमण था। पशु विशेषज्ञ की माने तो निपाह वायरस चमगादड़ और सुअरों के कारण फैल रहा है। चमगादड़ फलों को झूठा कर देते हैं और वो ही झूठा फल अगर कोई इंसान खा ले तो वो निपाह वायरस की चपेट में आ जाता है। केरल में हुई निपाह से लोगों की मौत के बाद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करने में देरी की। कई राज्यों में अलर्ट जारी होने के बाद मध्य प्रदेश में बुधवार को इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि केरल से आने वाली व्यक्ति में सर्दी जुखाम और निपाह वायरस से होने वाली बीमारी के अन्य लक्षण मिले तो फौरन CMHO को सूचना दें। वहीं डॉक्टर की माने तो जानलेवा निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति को बुखार, सरदर्द, दिमागी भ्रम और निमोनिया के लक्षणों के साथ साथ बेहोशी होने लगती है। अगर ऐसे कोई लक्षण दिखे तो मरीज को जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। निपाह वायरस एक जानलेवा वायरस है। जहां एक तरफ निपाह वायरस से लोगों में डर का माहौल बन रहा है तो वहीं देरी से ही सही, लेकिन मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने निपाह से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इसके विपरीत प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन और नगर निगम शायद किसी निपाह से कोई अनहोनी होने का इंतजार कर रहा है। हमारे संवाददाता ने जब शहर का जायजा लिया तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।
देश में रमजान का पावन पर्व चल रहा है। रमजान में अफतारी के लिए खजूर का काफी महत्व है, लेकिन चमगादड़ सबसे ज्यादा खजूर में ही संक्रमण फैला रहे हैं, जिसके चलते खजूर कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। निपा वायरस का इलाज खोजा नहीं जा सकता है, हालांकि प्राथमिक तौर पर इसका कुछ इलाज संभव है। रोगग्रस्त लोगों का इलाज मात्र रोकथाम है। इस वायरस से बचने के लिए फलों, खासकर खजूर खाने से बचना चाहिए। पेड़ से गिरे फलों को नहीं खाना चाहिए। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसे रोकने के लिए संक्रमित रोगी से दूरी बनाए रखने की जरूरत होती है। हालांकि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में चमगादड़ के खून और सीरम की जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। खैर, अब जो भी इस बीमारी का कारण हो, मगर हाँ, ये बीमारी जानलेवा जरूर है। इसलिए स्वास्थ्य महकमे और हम सभी को इसको लेकर सतर्कता बरतनी जरूरी है। पुलिस वाला वेब न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज के साथ।